बिहार के सुपौल जिले के सदर प्रखंड के एक गांव में एक उल्लू पक्षी का विधि विधान के साथ न केवल अंतिम संस्कार किया गया बल्कि उसके बाद श्राद्ध कर्म कर ब्रह्म भोज व सामूहिक भोज का भी आयोजन किया गया। सदर प्रखंड के कर्णपुर गांव स्थित प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर परिसर में एक घायल उल्लू पाया गया। ग्रामीणों की नजर जब उस पर पड़ी तब सभी ग्रामीणों ने एकजुटता के साथ उसका पशु चिकित्सक से इलाज करवाया लेकिन उसे बचाया न जा सका। ग्रामीणों ने उल्लू के शव को नव वस्त्र में लपेट कर विधि विधान के साथ मंदिर परिसर में ही उसका अंतिम संस्कार किया। इस दौरान बड़ी संख्या में गांव के लोग जुटे। सुपौल जिले मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर कर्णपुर गांव निवासी एवं जाने माने पर्यावरणविद भगवान जी पाठक ने कहा, उल्लू देवी लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। इस कारण भी उल्लू के अंतिम संस्कार के बाद विधि विधान के साथ श्राद्ध कर्म किया गया और मंदिर परिसर में ही कुंवारी कन्याओं व बटुक भोज के बाद सामूहिक भोज का भी आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि गांव में ही इसके लिए राशि एकत्रित की गई थी। इस गांव के लिए ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी एक सांड की मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार कर भोज का आयोजन किया गया था। देखरेख के अभाव में पक्षियों की कई प्रजाति विलुप्त हो गयी। पहले गौरैया घर घर पाई जाती थी, अब देखने को भी नहीं मिलती। उल्लू भी लुप्त हो रही पक्षी की प्रजाति में शामिल है। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।